दिस कल्टिवेटर केम फ्रॉम द फ्यूचर के पिछले एपिसोड में हमने देखा टैंग मिंग शुहाई को हरा देता है। अब हमें वैंग शेंग फेंग को दिखाया जाता है जो कि शुहाई को देखकर कहता है, टैंग मिंग ने मेरी जान बचाई है, तो अगर उससे कुछ होता है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। अब हमारा सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं वो लोग हानिबी स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। अब हम वैंग शेंग फेंग एंड जिंग जिंग को देखते हैं जो कि टैंग मिंग एंड यायू को गले मिलते हुए देख रहे होते हैं। अब हम यायू को देखते हैं जो कि टैंग मिंग से कहती है, मैं तो तुमसे सिर्फ अभी ही मिली थी और अब मुझे तुमसे अलग होना पड़ रहा है। कल्टिवेटर अलायंस में सारे लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्या सच में मुझे अपनी रिपोर्ट को सबमिट कराने की ज़रूरत भी है? अब ये सुनकर टैंग मिंग अपनी बहन से कहता है, बड़ी बहन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने आ पाई। अगर तुम्हारा काम इतना अर्जेंट है तो तुम्हें जल्दी से रॉयल कैपिटल में जाकर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करा देना चाहिए, और वैसे भी तुम मुझे बहुत ज़्यादा टाइटली हग कर रही हो। अब यायू रोने लगती है एंड टैंग मिंग से कहती है, हानिबी यूनिवर्सिटी में अच्छी तरीके से पढ़ना, वहाँ का रिसर्चिंग स्टाफ जो है वो काफ़ी अच्छा है एंड ये चीज़ फ्रंटलाइन पे लड़ने से अच्छा ही है। अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम नेशनल कल्टिवेशन एग्जाम में फर्स्ट रैंक पे आओगे। तुम्हारे पेरेंट्स अगर ज़िंदा होते तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते तुम्हारी इस परफॉर्मेंस को देखकर। अब टैंग मिंग यायू को कहता है कि मैं अब एक छोटा बच्चा नहीं रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब टैंग मिंग अपने मन के अंदर कहता है, मैं हानिबी यूनिवर्सिटी में रिसर्चर बनने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं दूसरों के पीछे छुपने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब तभी हम वैंग शेंग फेंग को देखते हैं जो कि जिंग जिंग से कहता है, जिंग जिंग टैंग मिंग के पास अच्छा टैलेंट है, तुम उसके साथ दोस्त बनकर रह सकती हो, लेकिन अपने रिलेशनशिप को उसके साथ आगे बढ़ने मत देना। ये सुनकर जिंग जिंग परेशान होते हुए कहती है, लेकिन बड़े भाई। अब उसका भाई वैंग शेंग फेंग उसे कहता है, तुम्हें याद है ना कि एल्डर्स ने तुम्हारी शादी ऑलरेडी किसी दूसरे कल्टिवेशन फैमिली के लड़के के साथ अरेंज कर दी है, इसीलिए अब तुम उससे पीछे नहीं हट सकती। अब ये सुनकर जिंग जिंग थोड़ी नाराज़ होते हुए कहती है कि उसे ये बात पता है। अब इसी के साथ टैंग मिंग एंड जिंग जिंग अपनी हानिबी यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं। अब हमें आउटसाइड ऑफ हानिबी यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हानिबी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रिसेप्शन चल रही होती है। हम देखते हैं कि हानिबी यूनिवर्सिटी के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी होती है। अब तभी हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ली जिया होता है। अब तभी टैंग मिंग एंड जिंग जिंग उसके पास आते हैं एंड उसे कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी, क्या ये फ्रेशमैन रिसेप्शन एरिया है हानिबी यूनिवर्सिटी के लिए? अब ये सुनकर ली जिया कहता है, जी हाँ, ये हानिबी यूनिवर्सिटी का ही है, क्या आप एक फ्रेशमैन हैं जो कि यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए आए हैं? क्या तुम मुझे अपने नाम बता सकते हो? अब टैंग मिंग ली जिया को अपना नाम बताता है एंड साथ में जिंग जिंग भी उसे अपना नाम बता देती है। अब जैसे ही ली जिया उन दोनों को वहाँ पर देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड उसी के साथ जो बाकी के स्टूडेंट्स उस रिसेप्शन एरिया में आए होते हैं वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। वो बातें करने लगते हैं कि टैंग मिंग एंड वैंग जिंग जिंग जो थे वो नेशनल कल्टीवेशन एग्जाम में फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस स्कोरर थे। अब तभी सारे स्टूडेंट टैंग मिंग एंड जिंग जिंग के पास दौड़ दौड़ के आने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। अब ली जिया उन्हें कहता है कि मुझे उन्हें पहले रजिस्टर करने दो। अब हम टैंग मिंग को देखते हैं जो कि जिंग जिंग से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम काफ़ी ज़्यादा अटेंशन को एज अ फ्रेशमैन अट्रैक्ट कर रही हैं? अब ये सुनकर जिंग जिंग कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तभी हमारा सीन चेंज होता है एंड हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब हमारे इस नए कैरेक्टर का नाम फेंग शुआयुंग होता है जो कि एक दूसरी कल्टीवेटर फैमिली से बिलोंग करती है एंड इस लड़की ने नेशनल कल्टिवेशन एग्जाम में थर्ड रैंक स्कोर किया होता है। अब शुआयुंग हानिबी यूनिवर्सिटी में आकर कहती है, फाइनली मैं हानिबी यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ, मैंने अपने दादाजी के नुकीले से पंजों को एस्केप कर दिया है, वो चाहते थे कि मैं रॉयल कैपिटल की हैनवे यूनिवर्सिटी में जाऊं, और ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो वहाँ पर एक चांसलर थे एंड वो चाहते थे कि वो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ को कंट्रोल कर सकें, लेकिन मैंने उन्हें उनके इस प्लान में सफल नहीं होने दिया। मैं फेंग फैमिली में एक रेयर जीनियस हूँ, इसीलिए मैं अपने ग्रैंडपा की प्रोटेक्शन के अंदर कैसे रह सकती हूँ? इसीलिए मैं अपनी हानिबी यूनिवर्सिटी में खुद की एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करूँगी। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं एक ही बारे में ग्रेड 9 कल्टीवेटर बन जाऊं एंड अपने ग्रैंडपा को शॉक कर दूं अपनी परफॉर्मेंस से। तब देखते हैं क्या वो मेरे ग्रेड 9 कल्टीवेटर बनने के बाद भी मुझे कंट्रोल करने की हिम्मत करते हैं या नहीं। अब हम देखते हैं शुआयुंग फ्रेशमैन रिसेप्शन एरिया में जाती है एंड कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर इनरोलमेंट के लिए आई हूँ। अब तभी शुआयुंग देखती है कि टैंग मिंग एंड जिंग जिंग को सारे अच्छी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं एंड उनके पीछे सारे लोग बावले हो रखे हैं।
अब शाओइंग टैंगमिंग एंड जिंगजिंग को वहां पर देखकर खुश नहीं होती एंड वो कहती है टैंगमिंग एंड जिंगजिंग ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस पे आए थे तो ये लोग भी हनीबी यूनिवर्सिटी में आए हैं। हाँ वैसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने नेशनल कल्टिवेशन एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया हो, वो बस स्ट्रांग लगते हैं देखने में। लेकिन मैं उनकी ट्रू स्ट्रेंथ तभी देख पाऊंगी जब मैं उनसे लड़ूंगी। मेरे ग्रैंडपा जो हैं वो एडवांस एम्प्रियन ग्रेड 8 कल्टिवेटर हैं एंड मैं उनकी एक आंख की तारी हूँ। उन्होंने मुझे हैंड टू हैंड सिखाया है इसीलिए मैं इनमें से किसी से भी वीक नहीं हूँ। अब तभी हम टैंगमिंग को देखते हैं जो कि शाओइंग की तरफ देख रहा होता है। अब शाओइंग टैंगमिंग की तरफ देखकर कहती है मुझे हनीबी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर होने का टाइटल छीनना होगा। अब हम देखते हैं शाओइंग अपना मुंह फेर लेती है। अब तभी टैंगमिंग लीजिया से कहता है सीनियर क्या वो लड़की एक नई स्टूडेंट है, मेरे हिसाब से वो फेंग शाओइंग है। अब ये सुनकर लीजिया कहता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया, वो फेंग शाओइंग ही है, वो फेंग फैमिली की तारी है। उसने नेशनल कल्टिवेशन एग्जाम में 3rd रैंक हासिल की एंड वो हनीबी यूनिवर्सिटी में आ गई। उसका टोटल स्कोर तुम्हारे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज था एंड उसने प्रैक्टिस टेस्ट में ए मार्क भी हासिल किया है। अब ये सुनकर टैंगमिंग अपने मन के अंदर कहता है जैसा कि मैंने सोचा था एक बी ग्रेड 9 कल्टिवेटर फेंग फैमिली से एंड इसी ने पर्सनली वेरीफाइड किया था थ्योरी को जिसमें कोई भी कल्टिवेटर ग्रेड 9 की लिमिट्स को ओवरकम कर सकता है। मेरी प्रीवियस लाइफ में, मेरी पुरानी लाइफ में उस व्यक्ति ने ग्रेड 9 कल्टिवेटर की लिमिट्स को ओवरकम कर दिया था, वो भी सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी में, वो भी कुछ ही मंथ में। एंड उसके बाद वो पहला व्यक्ति बना जो कि रियली ब्रेक तक पहुंच सका। तो अब मैं समझा ये सब सिर्फ इस कनेक्शन की वजह से है। अब तभी हम जिंगजिंग को देखते हैं जो कि शाओइंग को देखकर कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है एंड वो किसी भी टाइम पर एक ग्रेड 1 कल्टिवेटर बन सकती है। जो इनर क्विक कल्टिवेशन आर्ट है वो फेंग फैमिली की वेंग फैमिली की तरह ही है एंड ये दोनों उन एनिमीज को मारने में काम आती हैं जो कि हायर ग्रेड लेवल पे होते हैं उसके यूजर से। भले ही वो कमज़ोर दिखती हो लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती है। अब ये सुनकर टैंगमिंग कहता है ओके। अब टैंगमिंग अपने मन के अंदर कहता है अगर जिंगजिंग एंड मैंने हनीबी यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं किया होता तो ये लड़की जो मेरे सामने खड़ी है वो हनीबी यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर में से होती। अब हम देखते हैं वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि स्टूडेंट्स ही हनीबी यूनिवर्सिटी में है एंड अब यहाँ पर ही तुम्हारा घर है, अब तुम यहाँ पर 4 साल तक रहोगे। अब सारे स्टूडेंट्स हनीबी यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कि हनीबी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है दिखने में एंड एज एक्सपेक्टेड ये 10 ग्रेट कल्टिवेशन यूनिवर्सिटीज़ में से ही है। अब लीजिया सबको बताता है कि हनीबी यूनिवर्सिटी काफ़ी समय तक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में आई है एंड इस दिन तक काफ़ी ज़्यादा फेमस कल्टिवेशन थ्योरिस्ट जो हैं वो यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। जो प्लानिंग एंड आउटलाइन है युवा कल्टिवेशन के लिए वो हनीबी यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप के द्वारा चलाई जाती हैं। अब तभी हम शाओइंग की आवाज़ सुनते हैं जो कि कहती है टॉप स्कोरर ऑफ नेशनल कल्टिवेशन एग्जाम टैंगमिंग मैं तुमसे फाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम उससे फाइट करने की हिम्मत करते हो? इस चीज़ को अभी ही तय कर लेते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन इन हनीबी यूनिवर्सिटी के लिए फाइट करेंगे। अब तभी हम टैंगमिंग को देखते हैं जो कि ये सुनकर वहीं पर रुक जाता है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। आई होप आप सबके एग्जाम भी अच्छे चल रहे होंगे अगर आप 10th में हो या 12th में हो एंड सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय, तब तक ले अपने अपनी फैमिली का ध्यान रखना।